नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीडर्स बुक्स क्लब। हमारे एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम आज बात करेंगे एक बहुत पॉपुलर बुक जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट। इस बुक को एक बहुत ही फेमस ऑथर जेम्स क्लियर ने लिखा है और ये बुक रिलीज हुई थी 2018 अक्टूबर में। इस किताब के रूल्स को पढ़कर और समझकर आज मैं खुद इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। इस बुक का मूल सिद्धांत फोकस कराता है कि ज़िंदगी के छोटे छोटे बदलाव हमारी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। मुझे यकीन है अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और इसमें कही हुई बातों पर ध्यान देंगे तो ये किताब आपकी भी ज़िंदगी बदल देगी। क्योंकि अक्सर हम लाइफ में बार बार मुड़ मुड़ कर देखते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या खोया क्या पाया, उसके अकॉर्डिंग हम आने वाले टाइम का गोल सेट करते हैं। जैसे कि नया साल गया, नया साल आया, लेकिन क्या सच में सिर्फ गोल सेट करने से काम होगा? शायद हमें अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा और एक फ्रेश सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि हमें नए गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा। एटॉमिक हैबिट बुक सिर्फ एक रेगुलर प्रैक्टिस या रूटीन नहीं है, बल्कि एक सोर्स है बहुत ही पॉजिटिव पावर का। जो चेंज आज छोटे छोटे और इम्पॉर्टेंट नहीं लगते, वो चेंज आने वाले सालों में बहुत बड़े बड़े रिजल्ट देते हैं अगर हम उनको हमेशा फॉलो कर पाएँ तो। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छे लगे तो एंड में लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। सक्सेस कभी भी रातों रात नहीं मिलती, ये सिर्फ लगातार काम करने से मिल सकती है। सक्सेस के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे जो आज इंपॉर्टेंट नहीं लगते, बट आने वाले वक्त में यही आपकी लाइफ बदल सकते हैं। डिफरेंस तब तक नहीं दिखेगा जब तक हम एक लेवल तक नहीं पहुंच जाते। हमारी लाइफ की क्वालिटी हमारी हैबिट्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। अगर आदतें बुरी होंगी तो कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप अच्छी आदतें डेवलप करेंगे तो बहुत कुछ बदल सकता है। लाइक जिम जाना, बिजनेस स्टार्ट करना, पढ़ाई शुरू करना। सच ये है कि हम बड़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का वेट करते हैं, बट छोटी छोटी आदतें नहीं बदलते, इसलिए रिजल्ट्स कभी नहीं आते। हमें ये लगता है कि बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स पाने के लिए बहुत बड़े बड़े एक्शन की ज़रूरत पड़ती है, पर ये सच नहीं है। अगर आप आज लोग कैलकुलेट करें, ये अगर एक साल तक आप अपने आप को सिर्फ 1% बेटर के लिए बदलें तो पूरे साल में हम अपने आप को 37 टाइम्स बेहतर पाएंगे। बट अगर 1% बुरे के लिए बदलेंगे तो हमारी वैल्यू 0.03 रह जाएगी। यही कंपाउंडिंग का नियम है। अच्छी आदतें सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट मनी को मल्टीप्लाई करता है, वैसे ही छोटी छोटी आदतों का इफेक्ट भी मल्टीप्लाई कर देता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। नेगेटिव चीज़ें भी कंपाउंड होती हैं, जैसे कि जब आप अपने आप को बोलते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, ये आपको और भी ख़राब कर देगा। ये चीज़ें नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसका इम्पैक्ट जल्दी जल्दी नहीं आता, इसलिए हम बहुत अच्छी आदतें बीच में ही छोड़ देते हैं। बट अगर हम इन आदतों पर स्टिक करें तो वो रिजल्ट्स आएंगे जो हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। अगर आप अपने हैबिट्स को चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, प्रॉब्लम आपके सिस्टम में है, वही बदलना होगा। आज आप जहाँ भी हैं लाइफ में वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि कहाँ जाना चाहते हैं। अपनी थोड़ी थोड़ी हैबिट्स को बदलना आपके डेस्टिनेशन बदल सकता है। 1% इम्प्रूव करना या बेटर करना शुरू में छोटा सा लगता है, बट यही डिसाइड करता है कि आप क्या हो और क्या बन सकते थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि लाइफ में अब तक हमने क्या किया है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि आपके करंट एक्शन और डायरेक्शन आपको कहाँ तक लेकर जा सकते हैं। आप वही बनते हो जो आप रिपीट करते हो। आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपनी हैबिट्स को फॉलो करो। देखो, हम अपने आप को 1% बेटर या 1% खराब के लिए चेंज तो नहीं कर रहे, देन ये सोचे कि ये हैबिट्स आपको आने वाले 20 सालों में कहां तक लेकर जाएंगे। हम एक मोमेंट में नहीं बदल सकते, पर ये बिट बाय बिट, डे बाय डे, हैबिट्स बाय हैबिट्स होता है। टाइम सक्सेस और फेलियर का गैप बदल देता है। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी होंगी तो वक्त आपको दोस्त लगेगा, वरना दुश्मन। सो हमें अच्छी आदतें बनानी है और बुरी आदतें रिमूव करनी है। हैबिट्स ही हमारी आइडेंटिटी को शेप देती है। गोल ये नहीं है कि एक बुक पढ़नी है, बट गोल ये है कि हमें रीडर बने। गोल ये नहीं है कि 100 मीटर बाइक चलाएं, बट साइक्लिस्ट बनना गोल है। गोल ये नहीं है कि जिम जाएं, बट फिट होना एक गोल है। ये कहना बंद करें कि ये मैं नहीं कर सकता, वो मैं नहीं कर सकता। हैबिट्स को चेंज करने के लिए सबसे प्रैक्टिकल वे है उसको बढ़ाना जो आप कर रहे हो। सबसे पहले डिसाइड करो आपको क्या बनना है और अपने आप को इम्प्रूव करो छोटे छोटे चेंजेस करके। आपके मनी हैबिट्स आपके फाइनेंशियल हैबिट्स का नतीजा है, आपकी हेल्थ आपके ईटिंग हैबिट्स का नतीजा है, आपकी नॉलेज आपके लर्निंग हैबिट्स का नतीजा है। हैबिट्स हमारी मेमोरी होती है जो हमने पास्ट में यूज़ की होती है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसको बिल्ड करने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका क्यू या ट्रिगर। ये हमारे दिमाग को इशारा देते हैं कि हैबिट्स को परफॉर्म करना है। हमारा माइंड ढूंढता है कि कहाँ से हमें रिवॉर्ड मिल सकता है, लाइक खाने के बाद मीठा खाना या स्मोक करना, या स्मोकर जब दोस्त मिल जाए तो स्मोकिंग का मन करना। दूसरा तरीका क्रेविंग।
यह हमें सिग्नल देता है कि हम रिवॉर्ड के कितना करीब हैं। क्रेविंग हमारे हैबिट्स के पीछे के मोटिवेशनल फोर्स होती है। हम सिर्फ हैबिट्स के लिए क्रेव नहीं करते बल्कि उनसे जुड़े हुए रिवॉर्ड्स के लिए क्रेव करते हैं। तीसरा तरीका रेस्पॉन्स, ये वो है जो बताता है कि आप रिवॉर्ड्स के लिए कितना क्रेव कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा मोटिवेटेड हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। चौथा तरीका रिवॉर्ड, फाइनली रेस्पॉन्स ही डिलीवर कराता है रिवॉर्ड को। रिवॉर्ड ही हैबिट्स का एंड गोल होता है। क्यू से क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, इसी तरीके से सनसाइकिल चलती रहती है। अपनी हैबिट्स को बनाने के लिए ये चार स्टेप पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। जो प्लान हमने लिखा है ये कब एंड कहाँ हम अपनी लाइफ में परफॉर्म करेंगे। लोगों के क्यू डिफ काफ़ी अलग अलग हो सकते हैं बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम और लोकेशन। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन दोनों को यूज़ करता है। बेस्ट वे ये है बस अपनी हैबिट्स पर स्टिक करें। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो मोटिवेशन भी नहीं आती। फिर हम एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं पर हम ज़्यादा देर तक मोटिवेटेड नहीं रह पाते। रियलिटी ये है कि हमें मोटिवेशन नहीं चाहिए, हमें क्लैरिटी चाहिए होती है। कैसे करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं और कहाँ करना चाहते हैं। अगली बार जब भी मोटिवेशन फील करें जल्दी जाकर अपनी इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन को लिखें। अपने क्यू सेट करना आपके सक्सेस को चांस को डबल कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।